क्या हाल है पोकी फैंस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सो सॉरी गाइस, 3 दिन के बाद पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू पार्ट 7 आया है। गाइस मैं थोड़ा बिजी था, बिजी इसलिए था क्योंकि गाइस आप सभी को पता है कि मैं GTA 5 के वीडियोस भी बनाता हूँ। सुबह मैं GTA 5 के वीडियोस अपलोड करता हूँ और मैं शाम को हर रोज पोकेमॉन के एपिसोड्स अपलोड करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मैंने पोकेमॉन एपिसोड्स नहीं डाला था। तो गाइस अब से क्या करेंगे गाइस, सुबह तो आएगा ही GTA 5 वाला एपिसोड। जिनको GTA 5 पसंद है वो GTA 5 देखेंगे और हर रोज 6 PM को हर रोज डेली गाइस आप लोगों को पोकेमॉन एपिसोड्स देखने को मिलेगा, ठीक है। 110% प्रॉमिस करके बोलता हूँ, ठीक है। एंड चलो, एंड लास्ट टाइम जैसे कि आप लोगों ने देखा था, शायद से आप लोगों ने देखा ना गाइस लास्ट वाला एपिसोड, ठीक है। और एक बार बोल देता हूँ, इस टाउन में बहुत सारे टीम रॉकेट वालों ने मतलब कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ये है सिल्प कंपनी गाइस, पूरे सिल्प कंपनी को कब्जा कर लिया था क्योंकि टीम रॉकेट को चाहिए था मास्टर बॉल, ठीक है। एंड मास्टर बॉल आप सभी को पता है, मास्टर बॉल एक ऐसा बॉल है, ठीक है, एक ऐसा बॉल है। अगर हम उस बॉल को यूज करेंगे किसी भी पोकेमॉन के ऊपर, चाहे वो लेजेंडरी पोकेमॉन क्यों ना हो, उस लेजेंडरी पोकेमॉन को हम पकड़ पाएंगे विदाउट एनी फेलियर, मतलब फेल नहीं होगा, सीधा उस पोकेमॉन को हम लोग पकड़ पाएंगे, ठीक है। एंड गाइस मेरे टीम में अभी कौन कौन से पोकेमॉन से आप लोग को दिखा देता हूँ। गाइस मेरे टीम में अभी ओनिक्स लेवल 50, पिजियोट है लेवल 38, पिकाचू लेवल 42, राइडॉन 43, विनासोर 44 एंड आर्कनाइन लेवल 47। तो गाइस हम जिम बैटल करेंगे आज, तो पहले हम लोग जिम बैटल करेंगे, ठीक है। जिम बैटल करेंगे लेकिन उससे पहले गाइस एक पोकेमॉन पकड़ेंगे। आप में से बहुत सारे भाई लोग मेरे को बोल रहे थे कि बोल भाई आप बहुत दिनों से पोकेमॉन्स पकड़ ही नहीं रहे हो, आपके पास सिर्फ अभी 20 ही पोकेमॉन्स है। आई नो गाइस मेरे पास 20 ही पोकेमॉन्स है, इसलिए गाइस एक और पोकेमॉन हम लोग ऐड करेंगे। एंड गाइस आज हम लोग सेब्रिना के साथ फाइट करने वाले हैं। गाइस ये है जिम, तो आप लोग देख सकते हो सैफ्रॉन सिटी जिम, जिम लीडर सेब्रिना, और ये साइकिक टाइप पोकेमॉन यूज करते। तो गाइस मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सेब्रिना को हराने के लिए। एक बार मैं जैनी, प्रोफेसर जैनी के साथ, सॉरी सर प्रोफेसर बोल रहा हूँ, ऑफिसर जैनी के साथ बात करके देखते। आर यू द वन हु चेज अवे टीम रॉकेट? जी हाँ, मैं ही वो लड़का हूँ जिसने टीम रॉकेट को चेज किया। नो डोंट से एनीथिंग, आई कैन टेल जस्ट बाय द लुक इन योर आईज, थैंक यू, प्लीज टेक दिस। कुछ मिला पुलिस सेट फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर। गाइस हम लोग को एक नया सेट मिला है, तो गाइस वो पुलिस सेट पहन ले क्या? चलो वो पुलिस सेट पहन ही लेते हैं। बैग में जाते हैं गाइस, फिर क्लोथिंग ट्रंक में जाते हैं, चूज एन आउटफिट फॉर आई एम बोल्ड। तो मेरे पास आउटफिट है, आप लोग देख सकते हो, पुलिस कैप है तो मैंने वो पहन लिया, और आउटवेयर में पुलिस टॉप भी है गाइस, और फिर पैंट्स भी हम लोग पुलिस वाला ही पहनेंगे, एकदम पुलिस बन गए गाइस। मस्त लग रहा है ना एकदम। ओके पुलिस शूज भी है गाइस, पुलिस शूज भी है, ओके तो सब कुछ पहन लिया। बैग भी पुलिस वाला ही क्या? अच्छा बैग भी पुलिस वाला ही है गाइस, ओके। तो स्विच टू पिकाचू करेंगे, पिकाचू को भी वही सब चीज़ें पहनाएंगे जो मैंने पहना है, ठीक है। तो पुलिस टी उसको पहना देते हैं, एंड हेड्स में उसको पहना देते हैं पुलिस वाला, डिग्लेट भी है लेकिन पुलिस, हम दोनों एकदम सेम आउटफिट में रहेंगे, ठीक है। एंड गाइस अभी हम लोग चलते हैं किसको पकड़ने के लिए, अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस स्नोरलैक्स को पकड़ने के लिए। एक मिनट, स्नोरलैक्स किस वे में था, कौन से वे में था? अच्छा, इसी वाले वे में था शायद से। यस डेफिनेटली दिस इज द वे। तो गाइस इसमें एक स्नोरलैक्स सोया हुआ है, ठीक है, बहुत दिनों से सोया हुआ है, तो इसलिए मैं उस रास्ते से जा नहीं पा रहा था। तो आज एक काम करेंगे गाइस, आज पहले अरे मेरे को एक ओ गाइस मेरे को एक साइकिक टाइप पोकेमॉन मिला गाइस, अलाकाज़म। ओ भाई साहब, कडाब्रा गाइस, कडाब्रा मिल गया है, तो मैं सीधा ग्रेट बॉल फेंकूंगा। गाइस मेरे को एक साइकिक टाइप पोकेमॉन चाहिए था यार, बहुत दिनों से साइकिक टाइप पोकेमॉन चाहिए था। अरे यार इसको कुछ खिलाना चाहिए था गाइस, ये बहुत ही कमाल का और पावरफुल साइकिक टाइप पोकेमॉन है, लेवल 26 में है, लेकिन मैं इसको बना दूंगा गाइस, इसको तैयार कर दूंगा यार, टेंशन क्यों लेते हो। इसको नैना पेरी खिलाते, नैना पेरी खाओ कडाब्रा, ओके खाया इसने, अब फेंकते इसके ऊपर कमान, ग्रेट कमान, 1, 2 और 3 एंड अरे यार गाइस आप लोग देख पा रहे हो, यू ऑलमोस्ट गॉट इट। तो चलो इसको और एक बार कुछ खिलाते, रेसबेरी खिलाएंगे, ठीक है। मेरे पास अल्ट्रा बॉल्स भी बहुत सारे पड़े हैं, तो अल्ट्रा बॉल भी यूज कर सकता हूँ, तो एक काम करते हैं गाइस, अल्ट्रा बॉल ही यूज करके 15 अल्ट्रा बॉल्स है और खरीद लेंगे यार। तो देखते हैं, लेकिन मुझे कदाब्रा चाहिए गाइस, ये मेरा फेवरेट साइकिक टाइप पोकेमॉन है, तो मैंने पकड़ लिया, अभी देखते हैं 1, 2 और 3 कमान। गाइस इसने अल्ट्रा बॉल को भी तोड़ दिया भाई, ये तो पावरफुल बनेगा, इसको अगर मैं पकड़ लेता हूँ ना तो ये बाद में जाकर के बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा गाइस। तो फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, 1, 2, 3 कमान। यस गाइस कडाब्रा इज फाइनली आवर्स, हमारी टीम में अभी कडाब्रा भी आ चुका है गाइस, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है गाइस।
तो कादाब्रा को तो अभी तो मैं अपने टीम में नहीं डाल सकता। एंड गाइस मेरी टीम का हेल्थ आप लोग देख सकते हो, मेरी टीम का हेल्थ इट्टू इट्टू सा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये शायद से एक्सपी बार है ना। तो गाइस आप लोग देख सकते हो फुल ऑन साइकिक टाइप पोकेमन आ चुका है मेरे पास कादाब्रा। तो मजा आने वाला है, कादाब्रा को हम लोग इवॉल्व भी कर सकते हैं, एल्काज़ाम में बदल सकते हैं आई गेस। हाँ हाँ। एंड गाइस आप लोग को दिखाने वाला हूँ, एक मिनट में मुझे पोकेमन सेंटर भी जाना है गाइस। मैं आ गया हूँ पोकेमन सेंटर, तो अपने पोकेमन्स को हील अप कर ही लेते हैं। हेलो नर्जो, आप कैसी हो? प्लीज मेरे पिकाचू और बाकी सारे पोकेमन्स को हील अप कर दो। ओके गाइस, तो मेरा अभी पोकेमन टीम ऑलमोस्ट अच्छा ही है, लेकिन मुझे ना इसमें चारिज़र्ड स्क्वायडल को ऐड करना है। एंड गाइस आप लोगों ने एक चीज नोटिस करा ना, मेरे टीम में एक भी वाटर टाइप पोकेमन नहीं है। गाइस आप लोगों को पता है क्या, मुझे फिशिंग रॉड कहाँ पे मिलेगा? गाइस अगर मुझे फिशिंग रॉड मिल जाता ना, तब मैं क्या करता, आराम से एक वाटर टाइप पोकेमन को पकड़ लेता। और कौन से वाले वाटर टाइप पोकेमन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ गाइस मैजिक कार्प का, और मैजिक कार्प से हम गैराडोस बनाएंगे, ठीक है। एंड गाइस आप लोग देख पा रहे हो स्नोरलैक्स, तो गाइस आज तो स्नोरलैक्स को ही पकड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे पास पोकी फ्लूट है, तो चलो इसको उठाते हैं गाइस, अब मजा आने वाला है गाइस। ओके ये बजा रहा है पोकी फ्लूट का, आप लोग जैसे देख पा रहे हो। ओके वाह, क्या ही मधुर आवाज है ना। ओके गाइस उठ गया उठ गया उठ गया, स्नोरलैक्स वॉक अप, स्नोरलैक्स इज लुकिंग एट यू एंड इट लुक्स हंग्री। हे आई एम बोल्ट। ओके कौन आ गया है, कोई तो आया है। ये कौन है? मिस्टर फूजी, जस्ट समथिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन व्हेन आई गिव यू द पोकी फ्लूट। ओ परफेक्ट टाइमिंग, यू सी दिस पोकेमोन इज कॉल्ड स्नोरलैक्स। या डेफिनेटली आई नो, इट्स बीन नोन टू अटैक द फर्स्ट थिंग इट सीज आफ्टर वेकिंग अप। इट थिंक्स व्हाट इट सीज फूड, सिंस इट कैन बी प्रीटी डेंजरस, प्लीज हेल्प इट कैम डाउन बाय बैटलिंग इंटीरियर ऑफ पोकेमोन। वंस यू डिफीट इट, it will become more docile, you should be able to catch it just like any other Pokemon. Okay, तो पहले तो Snorlax को हराना पड़ेगा guys. Okay, मैं समझ गया guys. तो पहले तो Snorlax को हराना पड़ेगा, फिर उसको जा करके हम लोग पकड़ सकते हैं। तो let's see. तो चलो जाओ Onyx. तो Onyx ही लड़ेगा, तो इसको पहले हेल्थ डाउन करना पड़ेगा। तो मैं अपने बैग से पोकी बॉल भी भेज सकता हूँ ना, अभी नहीं भेज पाऊंगा शायद से, अभी नहीं भेज पाऊंगा। ओके okay, तो फाइट करते हैं, पहले फाइट करते हैं गाइस, और मैं उड़ाता हूँ स्नोरलैक्स को। एंड गाइस स्नोरलैक्स लेवल 34 में है, देखते हैं सर्वाइव कर पाएगा। ओ गाइस स्नोरलैक्स को बस इट्टू सा फर्क पड़ा, इट्टू सा। ओके ये स्नोरलैक्स काफी मजबूत है गाइस, इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आयरन टेल का यूज करते हैं, देखते हैं गाइस। ओ स्नोरलैक्स ने अवॉइड कर दिया, इतने बड़े स्नोरलैक्स ने आयरन टेल को अवॉइड कर दिया। एंड गाइस मेरे को सुला दिया है सर, नहीं नहीं मैं अभी ड्रॉजी फील कर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सोने ही वाला हूँ। तो देखते हैं फिर से आयरन टेल का यूज करके, देखते हैं। और लगा, इस बार लगा गाइस, इस बार तो लगा गाइस। ओ गाइस इसने रेस यूज किया, एंड आप लोगों को पता है ना रेस यूज करने से क्या होता है, फुल हेल्थ रिवाइव हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया है, अभी स्नोरलैक्स सो गया है। तो गाइस अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्या, ओ गाइस मेरा ऑनिक्स भी सो गया है यार। तो एक काम करते हैं गाइस, एक काम करते हैं, स्नोरलैक्स को हराएंगे गाइस, राइडन को बाहर लेके आते हैं, क्योंकि अभी तो स्नोरलैक्स सोया हुआ है ना। स्नोरलैक्स तो अभी सोया हुआ है, तो मैंने राइडन को निकाल लिया गाइस, एंड स्नोरलैक्स इज फास्ट अस्लीप गाइस। ओके ओके ओके, तो अभी मेरा राइडन का माल करके दिखाएगा गाइस। तो राइडन के पास बहुत सारे अटैक है, तो मैं ग्राउंड टाइप मूव यूज करके देखता हूँ, ड्रिल रन का यूज करके देखता हूँ कितना फर्क पड़ेगा। लेट्स सी। फटका पड़ा, लेकिन स्नोरलैक्स फिर भी सह लिया यार, ये स्नोरलैक्स काफी शक्तिशाली बनेगा। अगर मैं इसको पकड़ लेता हूँ ना, तो ये मेरा सबसे मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमन बन सकता है गाइस। तो चलो थंडरबोल्ट का यूज करके देखते हैं इसके ऊपर, लेट्स डू इट, राइड ऑन। अरे यार स्नोरलैक्स फिर से मेरे ऊपर यॉन यूज कर दिया गाइस, और शायद से राइड ऑन में भी सोने वाला है यार, ये तो काफी शक्तिशाली है यार। रॉक थ्रो यूज करके देखते हैं गाइस। ओ इसने रॉक थ्रो को भी अवॉइड कर दिया गाइस, बॉडी स्लैम का यूज किया ना इसने, नॉट वेरी इफेक्टिव। ओ गाइस इसने मेरे राइडॉन को भी सुला दिया यार, मेरे राइडॉन को भी सुला दिया गाइस। अब मुझे तो पोकेमन स्विच करना ही पड़ेगा गाइस, तो मैं कौन से वाले पोकेमन को भेज सकता हूँ गाइस? तो मैं अर्कनाइन को भेज सकता हूँ, पिकाचू को भेज सकता हूँ। एक काम करते हैं गाइस, अर्कनाइन को भेजते हैं, फायर टाइप पोकेमन को भेजते हैं। चलो आ जाओ राइडॉन वापस से, एंड जाओ राइडॉन जाओ, अब मजा आने वाला है गाइस, देखते हैं। अब मेरा अर्कनाइन दिखाएगा। ओके इसने लीक यूज किया गाइस, इसने लीक यूज किया। ओके तो मैं एक काम करता हूँ, ड्रैगन टाइप मूव यूज करता हूँ गाइस, मेरे अर्कनाइन को ड्रैगन टाइप मूव भी आता है गाइस, आउटरेज। ओ गाइस खत्म, ओ भाई साहब, तो अभी शायद से इसको हम पकड़ पाएंगे। यस 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 गाइस, नाउ इट्स योर चांस टू कैच
स्नोरलैक्स, तो पकड़ते हैं इसको गाइस, पकड़ेंगे इसको, ओके परफेक्ट शॉट डालेंगे। ओह इसने कैसे जंप कर दिया आप लोगों ने देखा ना, चलो एक्सीलेंट गाइस एक्सीलेंट। शायद से स्नोरलैक्स को भी हम लोग पकड़ ही लेंगे। 1 2 3 एंड यस गाइस, स्नोरलैक्स भी हमारा हुआ गाइस, स्नोरलैक्स भी हमारा हुआ गाइस, यू कॉट है स्नोरलैक्स, यस गाइस। तो आज तो अपने पार्टी में ऐड नहीं करेंगे स्नोरलैक्स को, कल वाले एपिसोड में हम लोग उसको थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसको थोड़ा अटैक सिखाएंगे, तब जाके हम अपने पार्टी में ऐड करेंगे। और हाँ, मुझे कदाब्रा को भी ऐड करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ का तो काम हो गया है गाइस, अभी शायद से मिस्टर फुजी कुछ बोलने वाले। ओह माय बोल, दैट वाज इंप्रेसिव, देयर आर अदर पोकेमॉन आउट देयर दैट विल ट्राई टू अटैक ट्रेनर जस्ट एज स्नोरलैक्स डिड। व्हेन फेसिंग सच ए पोकेमॉन द बेस्ट थिंग टू डू इज टू डिफीट इट एंड देन कैच इट, ओके रिमेंबर डिफीट देन कैच, ओके मैं समझ गया मिस्टर फुजी। व्हेन वेल आई विल सी यू लेटर देन, ओके सी यू मिस्टर फुजी। एंड गाइस चलो एक चीज देखते हैं, इस वाले रूट में हम लोगों को कौन कौन से पोकेमॉन्स मिल सकते हैं। गाइस मुझे दूसरे रूट में जाना पड़ेगा, एक मिनट इसको काट करके देखते हैं, इसमें कुछ तो पोकेमॉन्स हम लोग को मिलने वाला है। एंड गाइस आज तो जिम बैटल भी लड़ना है, जिम बैटल लड़ेंगे गाइस, थोड़ी देर बाद ही लड़ लेंगे, ठीक है जिम फाइट। एंड यहाँ पे ये क्या चीज़ है, पीपी अप गाइस, मेरे को पीपी अप यूज़ करना पड़ेगा यार, पीपी अप बहुत काम की चीज़ है गाइस। तो काम करते हैं, यहाँ पे दो रास्ता है गाइस, इधर से भी हम लोग जा सकते हैं और इस तरफ से भी हम लोग जा सकते हैं। वो गाइस ये डॉक्टरियो है ना, डॉक्टरियन, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया था, एक मिनट देखते हैं गाइस, मैं भूल गया इसका नाम, डॉक्टरियो इसका इवोल्यूशन का ना, डूडू डूडू इसका जो इवोल्यूशन है उसका 3 सीड होता है गाइस, ये लेवल 31 का है गाइस, क्या इसको हमें पकड़ लेना चाहिए? नहीं नहीं इसको हम लोग नहीं पकड़ेंगे, हम लोग किसी और पोकेमॉन को पकड़ेंगे, ठीक है देखते हैं इसमें कुछ और पोकेमॉन भी मिलेंगे क्या हम लोग को। अरे नहीं 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 राताटा नहीं चाहिए, राताटा नहीं चाहिए, और कुछ पोकेमॉन आएंगे क्या, चलो इसमें जा करके देखते हैं गाइस, अगर कुछ अच्छा पोकेमॉन मुझे मिल जाता है तो हो भी सकता है ना। गुड इफर्ट, इट्स नॉट मैनी हु मेक इट अप हियर, ओके। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो हम लोग अभी हैं कौन से रूट पे, ये कौन सा रूट है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने सारे ट्रेनर्स हैं, तो चलो ट्रेनर्स से भी लर्न लेंगे, लेकिन ये कौन सा वाला घर है, ओके गाइस तो बात करके देखते हैं इनसे। ओ डियर यू फाउंड माई सीक्रेट रिट्रीट, प्लीज डोंट टेल एनीवन आई एम हियर, आई विल मेक इट अप टू यू विद दिस, ओके। फ्लाई गाइस मुझे फ्लाई मिल चुका है गाइस, है ना आप लोगों को पता है ना फ्लाई एक बहुत ही ओपी मूव है, तो मैं वेट नहीं करूंगा गाइस, सीधा मैं अपने पोकेमॉन को अभी फ्लाई सिखाऊंगा गाइस। तो मुझे अपने टीएम केस में जाना चाहिए एंड यहाँ पे ना फ्लाई है, ओके तो मैं फ्लाई सिखा देता हूँ, ओके पिजियोट कैन लर्न, पिजियोट को सिखाएंगे गाइस फ्लाई, फ्लाई काफ़ी शक्तिशाली मूव है गाइस, फ्लाई से हम लोग एक अटैक को भी अवॉइड कर पाएंगे, ठीक है कुछ देर के लिए। तो काम करें रोज हम लोग यूज व्हर्लविंड को हटा देते हैं गाइस, रोज से हम लोग अपने आप को रेस्टोर कर सकते, तो रोज को रहने देता हूँ, ठीक है। एंड गाइस मुझे शेडो बॉल भी सिखाना था यार, घोस्ट टाइप मूव है ना, अभी साइकिक टाइप से हम लोग फाइट करने वाले हैं, तो कौन जानेगा यार, कौन जानेगा यार, घोस्ट टाइप मूव तो कोई नहीं जानता है हमारे टीम में, डार्क पल्स भी कोई नहीं जानता है, ओके पेड है स्केल्ड भी कोई नहीं जानता क्योंकि मेरे पास वाटर टाइप, एक मिनट सिस्मिक टॉस, गाइस राइडन को तो सभी मूव्स आते हैं यार, ऑलमोस्ट सभी मूव्स आते हैं, तो चलो राइडन को हम लोग सिस्मिक टॉस से सिखा देते हैं गाइस, मज़ा आने वाला है गाइस। मेरे राइडन को सभी मूव्स आते हैं, तो स्टॉर्म को हटा के हम लोग सिस्मिक टॉस को ऐड करेंगे जो कि एक फाइटिंग टाइप मूव है, ठीक है। 1 2 एंड टाडा हम लोग सीख गए स्टॉर्म। एंड गाइस आप लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हो ना, या फिर एपिसोड ही देख रहे हो, सब्सक्राइब भी करो यार अपने बोल भाई को। अरे एक मिनट गाइस, मैं अपने राइडन को फ्लेम थ्रोअर भी सिखा सकता हूँ गाइस, मैं अपने राइडन को फ्लेम थ्रोअर भी सिखा सकता हूँ। तो मेरा राइडन तो अभी मल्टी टाइप पोकेमॉन बन गया है गाइस, ये थंडरबोल्ट यूज कर सकता है, फ्लेम थ्रोअर यूज कर पाएगा, अभी देखते हैं कौन सा वाला मूव हटा पाएंगे गाइस। रॉक टाइप एक मूव तो चाहिए गाइस, सिस्मिक टॉस है, ये थंडरबोल्ट है, ड्रिल रन ग्राउंड, एक काम करने गाइस रॉक टाइप मूव को, रॉक थ्रो वैसे बहुत काम की चीज है गाइस, फ्लेम थ्रोअर को अभी नहीं सिखाते हैं गाइस, रॉक इसको रखने देते क्योंकि मेरे पास देखो मेरे पास एक तो है अभी फायर टाइप पोकेमॉन आर्कनाइन को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो राइडन को बाद में सिखा लेंगे गाइस, फाइट करूं क्या, तो चल अरे मैं वापस घर के अंदर क्यों चला गया। तो गाइस चलो फाइट ही कर लेते हैं इन लोगों से, इन लोगों के साथ आ जाओ फाइट करते हैं, व्हाट डू यू वांट, चलो इन लोगों को हराते हैं गाइस, थोड़ा बहुत मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा, मुझे अभी जिम बैटल भी करना है, तो चलो कर लेते हैं गाइस। एंड दूसरे रोड पे भी हम लोग जाएंगे, ठीक है वो जो दूसरा रोड था उसमें से भी हम लोग जाकर के देखेंगे क्या कुछ पोकेमॉन मिलने वाला है। ओके इसने ऑनिक्स को भेजा गाइस, तो मेरे पास भी ऑनिक्स है, तो दो ऑनिक्स लड़ने वाले हैं क्या। ओ गाइस मेरा तो ऑनिक्स सोया पड़ा है, ओ शिट गाइस, तो फिर भी मैं अपना ट्राई करता हूँ एक मूव, ठीक है आयरन टेल यूज करके देखता हूँ, वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट
मेरा ऑनिक्स जाग जाएगा गाइस। तो देखते हैं दूसरा वाला ऑनिक्स कौन सा वाला मूव यूज करेगा। अर्थक्वेक गाइस, फटका तो पड़ेगा मेरे वाले ऑनिक्स को, बहुत ज्यादा फटका पड़ेगा। ये सुपर इफेक्टिव मूव है, तो देखते हैं यार। ऑनिक्स तुम जाग जाओ यार, प्लीज ऑनिक्स प्लीज जाग जाओ यार, मैं भी अर्थक्वेक यूज कर रहा हूँ गाइस। ओ गाइस, मेरा ऑनिक्स उठ गया और मेरे ऑनिक्स ने अर्थक्वेक यूज किया, और आप लोग देख पा रहे हो मेरे ऑनिक्स का इफेक्ट, आप लोग देख पा रहे हो, इट्स सुपर इफेक्टिव। आप देखते हैं, और इसने फिर से अर्थक्वेक यूज करा गाइस। ओके गाइस, लेकिन मेरा ऑनिक्स शक्तिशाली है गाइस, ये अर्थक्वेक को भी सह रहा है गाइस। तो मैं इस बार अर्थक्वेक यूज करके सामने वाले ऑनिक्स को डिफीट करने वाला हूँ। यस 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 यस, ऑनिक्स फेंटेड, इट्स सुपर इफेक्टिव, द ओपोजिंग ऑनिक्स फेंटेड। ओके, मजा आ गया गाइस, बढ़िया। ओके, पिकाचू ग्रू टू लेवल 43। ओके, मक 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 को यूज कर रहा है ना, तो मैं रहने देता हूँ, कीप बैटलिंग करूंगा। और मक के अगेंस्ट, मक तो एक पॉइजन टाइप पोकेमॉन है ना, तो मक के अगेंस्ट मैं एक काम करता हूँ ना, मैं अर्थक्वेक यूज करता हूँ, ग्राउंड टाइप मूव यूज करके देखते हैं। चलो अब इसको फटका पड़ेगा गाइस, इसको तो फटका पड़ेगा गाइस। फटका पड़ा, लेकिन ये मक स्ट्रांग है गाइस, इसने मेरे अर्थक्वेक को सह लिया गाइस। अरे यार, पॉइजन करा देगा ये अभी, कोई बात नहीं गाइस। स्टेल्थ, ओ मैंने स्टेल्थ रॉक क्यों यूज किया यार, अभी मुझे स्टेल्थ रॉक यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसको डैमेज मिलता रहेगा। चलो कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट टाइम ये हार जाएगा गाइस, या फिर ऑटोमेटिक ये फेंट भी हो सकता है। इसने क्या यूज किया गाइस, इसने डिसेबल यूज किया, इसका मतलब मैं अभी स्टेल्थ रॉक को यूज नहीं कर पाऊंगा। वैसे स्टेल्थ रॉक को दोबारा कौन ही यूज करेगा, तो चलो रॉक थ्रो यूज करते हैं गाइस। चलो रॉक थ्रो यूज करते हैं। यस गाइस, मैंने मार्क को भी डिफीट कर दिया। ओके, तो हमने फाइनली एक बाइकर को हरा लिया गाइस, 630 एक्सपी पॉइंट्स मिला मुझे, और बाकी पोकेमॉन्स को भी आधा एक्सपी मिल चुका है। विनोसॉर ग्रू टू लेवल 45, तो सभी पोकेमॉन्स ऑलमोस्ट मेरे लेवल 50 होने वाले हैं गाइस, डोंट यू डेयर लव। तो ये मेरे को धमकी दे रहा है, तुम हंस कैसे रहे हो, क्यों नहीं हंसेंगे यार। एक्चुअली हंस नहीं रहा हूँ, लेकिन ये जीत की हंसी है ना, जीत की खुशी भी बोल सकते हैं। तो गाइस, इन लोगों के साथ अभी फाइट नहीं करेंगे, तो एक काम करते हैं गाइस, मुझे तो पोकेमॉन्स पकड़ना है ना, इसके साथ फाइट करेंगे। नहीं नहीं गाइस, अभी फाइट नहीं करेंगे, अभी मुझे पोकेमॉन्स पकड़ना है, फिर जा करके हम लोग फाइट कर लेंगे। वैसे भी जिम फाइट तो करना ही है गाइस, तो मुझे दूसरे रूट में जा करके भी देखना है ये रूट 70। गाइस ये तो वेपोरियन है, क्या हम लोग पकड़ सकते हैं इस वेपोरियन को? अरे नहीं यार, मेरे को वेपोरियन चाहिए था गाइस, ये ईवी का इवॉल्व फ्रॉम है, मतलब ईवी को, मतलब ये गाइस जोल्टियन है गाइस, यहाँ पे तो सारे ईवी के इवोल्यूशन फ्रॉम है, और भी है क्या यहाँ पे गाइस? ये फ्लेरियन है गाइस। ओके, कुछ है क्या यहाँ पे? डुडुओ ही है गाइस, यहाँ पे डुडुओ है गाइस, आप लोग देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पे एक वाटर टर्टल है गाइस। अरे यार, मेरे को स्क्वेटल तो अब चाहिए यार, ब्लास्टोइज बनाना है गाइस। यहाँ पे एक साइडक भी है। ओके, मुझे अभी डुडुओ के साथ फाइट नहीं करना है गाइस, कोई और पोकेमॉन है तो बताओ यार, कुछ और पोकेमॉन दिखाओ ना प्लीज यार। एलिक्सियर मिला गाइस मुझे, क्या हो गया? ओके गाइस, अभी तक तो एक भी मुझे मिल नहीं रहा है, वाटर टाइप पोकेमॉन दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो आप लोग देख सकते हो मैंने पूरा छानबीन कर रहा हूं तब से। हमें गाइस एक रेयर कैंडी भी मिल चुका है गाइस, एक रेयर कैंडी, तो इसका हम लोग यूज कर पाएंगे गाइस। डुडू 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 से फाइट नहीं करना है, डुडू नहीं चाहिए मुझे अभी। एक मिनट, ये कौन सा पोकेमॉन है? ओ ईवी, ईवी ईवी गाइस, ईवी मिला, ईवी मिला, हम ईवी को अम्ब्रियन बना सकते हैं। ओ सॉरी सॉरी, वेपोरियन। ओ गाइस, मैं जस्ट बोल ही रहा था कि मुझे ईवी मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, एंड गाइस हमें ईवी मिल चुका है गाइस। यस यस यार, डायरेक्ट हम एक काम करेंगे, अभी हम तो अभी यूज नहीं कर पाएंगे ना, वाइल्ड ईवी। एक मिनट, मेरे पास कौन कौन सा, मेरे पास वाटर स्टोन पड़ा है शायद से, एक ईवी को पकड़ लेते हैं, पहले तो ईवी को पकड़ते हैं गाइस। चलो ईवी को पकड़ते हैं, परफेक्ट कैच करेंगे गाइस, एक्सेलेंट कैच गाइस, एक्सेलेंट कैच। अभी देखते हैं, मैंने तो अल्ट्रा बॉल इफेक्ट दिया गाइस। यस गाइस, शायद से ईवी आ जाएगा हाथ में गाइस, ईवी आ गया है, तो हम लोग अभी सीधा जाएंगे, अभी एक वाटर पोकेमॉन बनाएंगे, इसको वेपोरियन बनाएंगे, ठीक है। यार मेरे को चाहिए था एक वाटर टाइप पोकेमॉन, मेरे टीम में अभी सारे सब टाइप के पोकेमॉन है यार, लेकिन वाटर टाइप पोकेमॉन था नहीं, तो वाटर टाइप पोकेमॉन बहुत जरूरी है गाइस। अब मजा आने वाला है गाइस, मेरे पास अभी ईवी भी आ चुका है, रूट 18 पहुंच गया, शायद से इस रूट में हम लोगों को कुछ पोकेमॉन्स मिलने वाले हैं। ये एक मिनट, ये कौन सा वंजो, तो चलो इसमें जाकर के देखते हैं। वैसे गाइस मुझे जाना था यार सबरीना के साथ लड़ने के लिए, लेकिन मैं कहां गया हूं आप लोग देख सकते हो यार। गाइस मैं आ गया हूं, ये कौन सा वाला रूट है? एक मिनट एक मिनट, फुशिया सिटी गाइस, फुशिया सिटी आज हम लोग नहीं जाएंगे गाइस, आप लोग देख पा रहे हो मैं तो फुशिया सिटी में आ गया हूं, लेकिन फुशिया सिटी में आज गाइस ये तो लेप्रस है, क्या हम लोग लेप्रस को पकड़ पाएंगे गाइस? ये
ओपी वाला है पोकेमॉन है गाइस। एक मिनट, कोई आया है शायद से गाइस। ये स्लोपोक है, स्लोपोक पता नहीं स्लोपोक के साथ अभी क्या करने वाला है। ये कंगास खान है गाइस। ओहो वाओ, हम लोग कहाँ पे आ गए हैं गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस। यहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं, चैंसे वगैरह सब पोकेमॉन्स हैं, मेरे को बहुत सारे पोकेमॉन्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जगह कौन सा है गाइस? गाइस मेरे पास एक फॉसिल है गाइस, ये टोरस है गाइस, ये बुल पोकेमॉन टोरस है गाइस। ये एश केचम के पास हुआ करता था, अभी भी है मतलब, ठीक है। ये पोकेमॉन मेरे को बहुत एग्रेसिव पोकेमॉन लगता था, और ये डर रहा है पिकाचू, आप लोग देख पा रहे हो। ये अपना साइडक है गाइस, और नीचे है ओमनीमाइट, ओमनीमाइट था ना, ऑयस्टर था ना, ओमनीमाइट था, मैं भूल गया। सो गाइस आप लोग देख पा रहे हो, ये जगह तो भाई पोकेमॉन से भरा है, लेकिन ये जगह कौन सा है गाइस? गो पार्क कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं गाइस ये कौन सा पार्क है। एक मिनट में मुझे पढ़ना पड़ेगा। गो पार्क कॉम्प्लेक्स है पोकेमॉन चेस, इट इज द फेमस हार्डिंग गेम एवरीवन लव्स। अच्छा अच्छा, मुझे समझ में आ गया है गाइस। एंड ये क्या चीज है? सफारी जोन गाइस, हम लोग सफारी जोन जा सकते हैं ना गाइस। एंड गाइस यहाँ पे एक वोल्ट्रॉप भी है, आप लोग देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पे मतलब कोने कोने पे पोकेमॉन्स है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ग्रोलाइट है, यहाँ पे कंगास खान है, कंगास खान कितना ज्यादा बड़ा है आप लोग देख सकते हो यार। ओ भाई साहब, गाइस हम लोग जाएंगे अभी इस पे, ठीक है। ये है सफारी जोन गाइस, और सफारी जोन में हम लोग को पोकेमॉन्स मिल सकते हैं, तो चलो जाते हैं सफारी जोन के अंदर। लेट्स इनके साथ बात करके देखते हैं। अरे बात नहीं कर सकते क्या? हेलो, वी निकनेम द वार्डन स्लोपोक, ओके, बिकॉज़ यू नो ही हैज दैट वेकेंट लुक लाइक अ स्लोपोक, ओके ओके ओके। एक मिनट, इनसे बात करके देखते हैं। आई थॉट आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ समथिंग गोल्ड एंड शाइनिंग आउट टुवर्ड्स रूट 19, मे बी इट वॉज सम काइंड ऑफ बरीड ट्रेजर। गाइस कुछ हो सकता है रूट 19 में, कुछ है शायद से। एंड गाइस ये बंद है क्या सफारी जोन? चलो सबसे बात करके देखते हैं। वार्डन स्लोपोक इज वेरी नॉलेजेबल अबाउट पोकेमॉन, ही इवन हैज सम फॉसिल्स ऑफ पोकेमॉन आई हैव एवर सीन। ओ गाइस शायद से वार्डन अभी जिसके बारे में बोल रहे हैं स्लोपोक, शायद से उनके पास हम लोग अपना फॉसिल दे करके अपने कबूटॉप्स को इवॉल्व करा पाएंगे, मतलब फिर से जिंदा कर पाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, शायद से सफारी जोन में अभी हम लोग नहीं जा पाएंगे। बट एक और बार देख लेते हैं, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है जैसे कि आप लोग देख रहे हो गाइस। तो शायद से गाइस, शायद से अभी हम लोग सफारी जोन नहीं जा पाएंगे। गाइस मैं आ गया हूँ सेलारोन सिटी में। एंड गाइस सेलारोन सिटी में हम लोग क्यों हैं? एक्चुअली यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं एक स्टोन खरीद सकूँ, ठीक है। और वो कौन सा स्टोन है गाइस? वो है गाइस नॉन अदर देन वाटर स्टोन। और वाटर स्टोन से हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस? ईवी को वेबोरियन में बदलेंगे, ठीक है। तो ट्रेनर्स मार्केट में जाते हैं और खरीदते हैं वाटर स्टोन गाइस, और फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सेफ्रॉन सिटी गाइस, और फिर जिम लीडर के साथ फाइटिंग करेंगे गाइस, है ना। तो ओके, वेलकम टू टेक्निकल शॉप, आई एम हियर टू बाय। ओके, हमें चाहिए एक वाटर स्टोन। ओ अच्छा, यहाँ पे हम लोग अटैक भी खरीद सकते हैं ना, ड्रैगन टेल ट्राई अटैक वाटरफॉल। एक मिनट, मुझे इस तरफ नहीं, मुझे शायद से इस तरफ से खरीदना पड़ेगा। नो, इस तरफ से खरीदना पड़ेगा ना, या फिर इसके ऊपर वाले फ्लोर में है स्टोन्स, शायद से ऊपर वाले फ्लोर में ही है स्टोन्स गाइस, इस वाले फ्लोर में नहीं है। हाँ, ऊपर वाले फ्लोर में ही है स्टोन्स, तो मुझे स्टोन सेक्शन में जाना चाहिए। ओके गाइस, तो मुझे अभी स्टोन्स मिल जाएंगे। अच्छा, ये तो वीडियो गेम शॉप है, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ काम का चीज़ नहीं मिलने वाला है। ओके, तो इसमें मिलेगा शायद से। हाँ, इसमें मिल जाएगा गाइस, इसमें मिल जाएगा। एक मिनट, कहाँ पे है शॉपकीपर? और हाँ, शॉपकीपर, तो चलो बाय करते हैं अभी। ओके गाइस, तो वाटर स्टोन मैं खरीद लेता हूँ गाइस। क्या करें गाइस, थंडर फायर, फायर टाइप पोकेमॉन आर्कनाइन है, थंडर टाइप पोकेमॉन पिकाचू है, वाटर टाइप पोकेमॉन नहीं है, लीफ टाइप पोकेमॉन भी है, आइस टाइप पोकेमॉन गाइस, आइस टाइप पोकेमॉन ग्लेशियन बनाए के वाट गाइस। एक काम करते हैं, क्यों ना मैं आइस टाइप बनाऊं अपने ईवी को, क्योंकि गाइस सुनो, मैं वाटर टाइप पोकेमॉन में मतलब पकड़ूंगा गियाराडोस को या फिर कोई और शक्तिशाली पोकेमॉन को, ठीक है। तो आइस टाइप स्टोन खरीदते हैं और उसको ग्लेशियन बनाते हैं। चलो देखते हैं ग्लेशियन बना पाएंगे कि नहीं, ठीक है। एक मिनट, मैं स्विच कर लेता हूँ। एक मिनट, अपने पार्टी में जाते हैं, और फिर एक मिनट, मैं गलती कर दिया हूँ। ओके, नाउ पोकेमॉन बॉक्स में जाते हैं, और यहाँ पे मैंने पकड़ा था ना ईवी को लेवल 33 वाला। ओके, तो ओ नहीं, मूव पार्टी, और इसको हम ऐड करेंगे किसके जगह ऐड करेंगे गाइस? पिजियोट के जगह ऐड करें क्या? मेरे पास दो रॉक टाइप पोकेमॉन्स है गाइस। ऑनिक्स को हटा सकते थे, लेकिन ऑनिक्स को मुझे हटाना नहीं है अभी गाइस। एक काम करते हैं, राइडन को ऑनिक्स को ही हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है।
फिलहाल के लिए फिर से ऑनिक्स को ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं गाइस। और अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से बैग में ही जाना पड़ेगा, मैं भूल ही गया था। और फिर बैटल पॉकेट में जाके एक पावर अप में जा करके अभी आइस स्टोन यूज करने वाला। ओ गाइस आप लोग देख पा रहे हो, ईवी को हम लोग शायद से इस गेम में ग्लेशियर नहीं बना सकते हैं, तो आप लोगों ने समझा ना गाइस। तो ईवी को मुझे मतलब वेपोरियन ही बनाना पड़ेगा, तो चलो वेपोरियन ही बनाते हैं। वाटर स्टोन मैंने खरीद लिया है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, और भी पोकेमॉन पकड़ लेंगे। वैसे वेपोरियन भी बहुत शक्तिशाली वाटर टाइप पोकेमॉन है, ठीक है ओके। तो चलो ईवी को अभी हम लोग बनाते हैं वेपोरियन, ओके। तो कहाँ है, अरे भूल के, ओके पावर अप पॉकेट में आ गया हूँ मैं वाटर स्टोन, और अभी इसको यूज़ करेंगे ईवी के ऊपर। तो गाइस आप लोग देखने वाले हो ईवी को कैसे मैं अभी वेपोरियन में बदलने वाला हूँ। लेट्स सी गाइस, मज़ा आने वाला है गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, लेट्स सी। ओके 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 गाइस बनने वाला है। ओ गाइस बन चुका है ईवी वेपोरियन गाइस, अब मज़ा आने वाला है गाइस। अब मेरे पास एक प्रॉपर वाटर टाइप पोकेमॉन है, तो इसको मैं स्केल्ड भी सिखा सकता हूँ गाइस। ओके वेपोरियन डाटा हैज बीन एडेड गाइस, आप लोग देख पा रहे हो। अब क्या हो गया, वेपोरियन वॉन्ट्स टू लर्न वाटर गन, ओ मजा आने वाला है गाइस। तो वाटर गन सिखाते हैं यार, वाटर गन तो काफी शक्तिशाली मूव है। तो इसके पास सारे नॉर्मल टाइप मूव ही है, तो यार मुझे यार 2-3 वाटर टाइप पोकेमॉन मूव्स वेपोरियन को सिखाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग जिम बैटल लड़ पाएंगे गाइस, और वेपोरियन को काफी शक्तिशाली बनाना पड़ेगा गाइस। तो मैंने वेपोरियन को वाटर गन सिखा दिया गाइस, यस गाइस ओके। तो एक काम करते हैं गाइस, अभी वेपोरियन का और एक अटैक सिखाते हैं, ठीक है। वेपोरियन को अभी स्केल्ड भी सिखाएंगे, वेपोरियन स्केल्ड भी सीखे गाइस, लेट्स सी। स्केल का जगह रिप्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, डबल एज को ही रिमूव करते हैं गाइस। हाँ अभी मेरे पास 2 वाटर टाइप मूव्स हैं, और कुछ सिखा सकते हैं क्या, अब देखते हैं गाइस वेपोरियन कौन कौन से मूव्स सीख सकते हैं, लेट्स सी। ओके मेगा ड्रेन, नहीं नहीं मेगा ड्रेन तो कभी सीखने पर, शैडो बॉल सीख गाइस, शैडो बॉल भी सिखा पाएंगे यार, ओ यही तो चाहिए था गाइस। अभी मेरे पास घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, जो कि मतलब सबरीना के अगेंस्ट काम आएगा गाइस, ये पोकेमॉन काम आने वाला है। तो गाइस शैडो बॉल सिखाते हैं यार, वेपोरियन काफी शक्तिशाली बन जाएगा गाइस। ओके तो स्विफ्ट के नहीं, टेकडाउन के टेकडाउन को मैंने रिप्लेस किया, और मैंने सिखाया वेपोरियन को शैडो बॉल। डार्क पल्स भी सिखा पाएंगे क्या, चलो वो भी देख ही लेते हैं गाइस साथ ही साथ, है ना। ओके ओके डार्क प्लस नहीं सिखा सकते, डीक सिखा सकते हैं लेकिन गाइस। ओके ओके और क्या सिखा सकते हैं, रेस नहीं सिखाना है गाइस, पेड नहीं फ्लाई, चलो गाइस एनफ, हम लोग अभी सबरीना के साथ फाइट करने के लिए जाते हैं, चलो चलो जल्दी चलो। यस गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सेफ्रॉन सिटी, एंड अभी डायरेक्ट जिम चलते हैं, ठीक है। जिम 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 कहाँ, एंड गाइस प्लीज आप लोग मेरे को कमेंट करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि मुझे फिशिंग रॉड कहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। आज तो हम लोग जिम बैटल तक ही खेलेंगे, बाकी एपिसोड कल कंटिन्यू करेंगे। एंड सुनो गाइस सुनो, ओके गाइस आप लोग जिम देख सकते हो, वो काफी कूल जिम है यार, काफी कूल मतलब ऑसम जिम है यार, ये फुल ऑन साइकिक जिम है गाइस, मजा आने वाला है गाइस, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। शैम्पिना मेकिंग सरप्राइज बाय ऑल द ग्लिट्स एंड ग्लैम, सैफ्रॉन सिटी इज द बिगेस्ट सिटी इन कैंटो, एंड द जिम गेट्स इट्स फेयर शेयर ऑफ चैलेंजर्स टू। यू नीड टू हैव अ पोकेमॉन दैट इज एटलीस्ट लेवल 45, मेरे पास बहुत सारे पोकेमॉन से जो कि लेवल 45 से ऊपर है, तो दिखा देते हैं गाइस, तो दिखा देते गाइस, आर्कनाइन को ही दिखा देते हैं, मतलब समझे ना गाइस, सबरीना के पास काफी शक्तिशाली पोकेमॉन हम लोग को मिलने वाले हैं, तो मजा आने वाला है गाइस। एंड गाइस आप लोग देख पा रही है तो काफी कूल है, एंड मैं क्या बोल रहा था गाइस, हर रोज आपको पोकेमॉन के वीडियोस देखने को मिलेगा 6:30 PM, ओके 6:30 PM या 7 PM को, ठीक है, क्योंकि मैं सुबह तो GTA 5 के एपिसोड डालता हूँ ना, एंड अभी टेलीपोर्ट कर करके हम लोग को पहुंचना पड़ेगा सबरीना के पास, तो मजा आने वाला है गाइस, ये बैटल काफी ऑसम होने वाला है, तो संभाल के जाना पड़ेगा सबरीना के पास, चलो चलते हैं। ओके तो हमें अच्छी तरीके से जाना पड़ेगा गाइस, मुझे अभी फाइट नहीं करना है किसी भी ट्रेनर के साथ, डायरेक्ट मुझे लड़ना है सबरीना के साथ, ठीक है, सबरीना के साथ डायरेक्ट फाइट करने का मन है, तो देखते हैं गाइस सबरीना के पास ऐसे पहुंचेंगे कि नहीं, या फिर फाइट करना ही पड़ेगा, तो मुझे जैसे तैसे करके उस वाले पे जाना है। यस 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 ओके, तो आप देखते हैं कौन से वाले में पहुंचेंगे। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सबरीना के पास, गाइस सबरीना के पास पहुंच चुके हैं ना, यहाँ पे होने वाला है फाइट गाइस, तो गाइस ऑसम होने वाला है ये बैटल, चलो गाइस एक साइकिक जिम लीडर के साथ हम लोग फाइट करने वाले हैं, तो चलो फाइट करते हैं और देखते हैं सबरीना को हरा पाएंगे कि नहीं गाइस। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि साइकिक टाइप पोकेमॉन्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और मेरे पास इतने डार्क टाइप पोकेमॉन्स है नहीं, एक्चुअली एक भी नहीं है, सिर्फ
वेपोरेंट को ही आता है एक डार्क टाइप मूव शैडो बॉल. आई हैड अ विजन ऑफ योर अराइवल. आई हैव हैड साइकिक पावर सिंस आई वाज चाइल्ड. ओके, इट स्टार्टेड व्हेन आई केयरलेसली थ्रू ए स्पून असाइड एंड इट बैन इटसेल्फ इनटू एन अननेचुरल शेप. अच्छा, इनके पास भी खुद साइकिक पावर्स है. आई डिसलाइक बैटलिंग बट इफ यू विश टू सो शी विल फाइट विद मी देन आई विल शो यू माई पावर. ओके, मुझे डर लग रहा है गाइस, ऐसा मत बोलो यार. ओके, लेट्स सी गाइस, लेट्स सी क्या मैं हरा पाऊंगा सबरीना को गाइस. यही है गाइस इम्तिहान का, इसको क्या बोलते हैं यार, एग्जाम का दिन. एग्जाम गो वेपोरियन गाइस, इस मिस्टर माइंड को भेजा यार. चार पोकेमॉन्स है गाइस और मेरे पास छह पोकेमॉन्स है, तो चलो वेपोरियन अब तुम्हें करके दिखाना है. इसने लाइट स्क्रीन यूज किया गाइस. मिस्टर माइम ऐसा करके बोलता है ये. ओके, आप देखते हैं गाइस शैडो बॉल यूज करना जो कि काफी स्ट्रॉन्ग साबित होगा. ओ गाइस, इट्स सुपर इफेक्टिव लेकिन इट्टू सा गया. मतलब खुद ही सोच सकते हो कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये. तो मुझे फिर से शैडो बॉल का ही यूज करना चाहिए. ओ साइकिक यूज किया गाइस, मुझे फटका पड़ने वाला है. गाइस मुझे बहुत बड़ा वाला फटका पड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा वाला फटका पड़ा. अब देखते हैं गाइस, मैं फिर से शैडो बॉल यूज कर रहा हूँ. लेट्स सी गाइस, फटका पड़ रहा है लेकिन यार मिस्टर माइम मुझे हरा देगा शायद. एक मिनट, एक काम करता हूँ गाइस, मैं अपने वेपोरियन को थोड़ा हिलाना चाहता हूँ, गेम को हिलाना चाहता हूँ. ठीक है, तो मैं अभी हाइपर पोशन यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वेपोरियन लड़ पाएगा कि नहीं. ठीक है, वेपोरियन का तो हेल्थ अभी फुल हो गया. फिर से साइकिक यूज कर रहा है. ओके, लगा फटका लगा. मैं ऐसे ही लड़ूंगा इसके साथ, मैं शैडो बॉल यूज करने वाला हूँ. अगर मैं इसका एक भी पोकेमॉन उड़ा देता हूँ, ओ शायद से गाइस मैं हार जाऊंगा. यस गाइस, सबरीना बहुत स्ट्रांग है गाइस, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा गाइस, मुझे अपने स्ट्रांग पोकेमॉन को लाना ही पड़ेगा गाइस, जो कि है राइडोन. ओ गाइस, मैंने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया यार, मैंने ओनिक्स को नहीं लिया जो कि मुझे लेना चाहिए था ओनिक्स को यार. गाइस मैंने गलती कर दिया यार, बहुत बड़ा वाला गलती. रिफ्लेक्ट यूज किया इसने, तो गाइस शायद से अभी मेरा अटैक मुझे ही लगने वाला है. तो देखते हैं, ड्रिल रन यूज कर रहा हूँ मैं. कमांड राइडोन, यस गाइस राइडोन ने करके दिखाया. मेरा राइडोन काफी ओपी है गाइस, काफी ओपी, बहुत मजेदार मूव था ये गाइस, बहुत मजेदार. मैं खुद प्राउड फील कर रहा हूँ यार. यस, स्लो ब्रो को यूज कर रहा है गाइस. मुझे स्लो ब्रो के अगेंस्ट ना मुझे पिकाचू को भेजना पड़ेगा गाइस, एंड स्लो ब्रो को यार मैं थंडर की मदद से उड़ा सकता हूँ गाइस. यस गाइस, Yes, I can do it, guys. देखते हैं, पिकाचू जा रहा है गाइस, मुझे सबरीना को हराना है गाइस, और मैं करके दिखाऊंगा गाइस. ओके गाइस, तो अब यूज करते थंडर. पिकाचू दिखा दो, थंडर का पावर दिखा दो. अब देखने वाले हो एक इलेक्ट्रिक टाइप मूव, क्योंकि स्लो ब्रो तो गाइस एक वाटर टाइप पोकेमॉन ही भी वाटर टाइप पोकेमॉन भी है. एंड गाइस आप लोग देख पा रहे हो स्लो ब्रो का हेल्थ एक दूसरा रह गया. ओह नो, ये कौन सा अटैक यूज कर रहा है, कौन सा अटैक यूज कर रहा है, कुछ तो अटैक यूज किया है इसने, मैंने देखा नहीं. ओ गाइस मुझे डर लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मेरे पिकाचू है ओपी गाइस. तो पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज करो और स्लो ब्रो को भेज दो अपने पोकेबॉल में वापस. यस गाइस, यस, स्लो ब्रो हो गया फेंटेड गाइस, मजा आ गया गाइस. पिकाचू तुमने करके दिखाया, तो अभी सबरीना के पास सिर्फ दो ही पोकेमॉन्स बचे हैं, मजा आने वाला है गाइस. लेट्स सी, जिंक्स साइकिक टाइप पोकेमॉन, पिकाचू को लड़वाए क्या. चलो पिकाचू तुम लड़ो यार, तुम मेरा नंबर वन पोकेमॉन हो, लड़ो जिंक्स के साथ लड़ो. काफी स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली साइकिक टाइप पोकेमॉन है, बट कोई नहीं, थंडर का सामना करने वाला हूं. दिखाओ पिकाचू थंडर का अटैक, दिखाओ. फटका तो पड़ा जिंक्स को, बहुत बड़ा बड़ा फटका पड़ा. आप देखते हैं, ओ गाइस साइकिक यूज कर रहा है, मुझे भी फटका पड़ेगा गाइस, फटका पड़ेगा, बट शायद से मेरा पिकाचू है ओपी, तो थंडर का यूज करके मैं फिर से जिंक्स को उड़ाने वाला हूँ. एंड जिंक्स तुम इस बार तो नहीं बचने वाले, एंड जिंक्स तुम अभी वापस से अपने पोकेबॉल में चले जाओ. गाइस मेरा पिकाचू काफी ओपी है गाइस, काफी ओपी गाइस, 683 एक्सपी पॉइंट्स मिल चुका है गाइस. अभी देखते हैं अभी कौन सा वाला पोकेमॉन, अलकाज़ाम गाइस, सबरीना का मेन पोकेमॉन है अलकाज़ाम. ओके गाइस, तो अलकाज़ाम का सामना करना पसंद करोगे पिकाचू, चलो लड़वाएंगे पिकाचू से. पिकाचू का हेल्थ भी बहुत कम है, लेकिन देखते हैं मेरे पिकाचू कितना स्ट्रॉन्ग है गाइस. ये काफी शक्तिशाली साइकिक टाइप पोकेमॉन है, मैं भी अपने कदाब्रा को अलकाज़ाम में बदलूं, मतलब इवॉल्व करवाऊंगा. ओके, साइकिक यूज के शायद से पिकाचू अभी नहीं बचने वाला, बट पिकाचू ने बहुत बढ़िया खेला, बहुत बढ़िया खेला पिकाचू. पिकाचू ओपी हो जाना चाहिए गाइस कमेंट सेक्शन में, बहुत बढ़िया खेला गाइस. तो अलकाज़ाम को अभी कौन हराएगा गाइस, अर्कनाइन, जाओ अर्कनाइन दिखा दो. यस गाइस, यस, अब मजा आने वाला है.
अब मैं ड्रैगन टाइप मूव यूज करने वाला हूँ, आ जाओ। ओके, ये साइकिक यूज कर रहे हैं फिर से। फटका तो पड़ा बट मेरा आर्कनाइन है काफी शक्तिशाली और ड्रैगन टाइप मूव, और एक ही बार में मैंने हरा दिया, और इसी के साथ मुझे मिल गया है अपना 6 बैज गाइस। यस गाइस, मेरे पोकेमॉन से ओपी गाइस। This loss shocked me, but a loss is a loss. I admit I didn't work hard enough to win. You got $7,440 for winning. Okay. Alright guys, alright. Maza aa gaya guys. Your victory has earned your Mars badge guys. Isi ke saath hame mil chuka hai Mars badge guys. Maza aa gaya guys. Maza aa gaya. Okay. A Mars badge raises the level of Pokemon that will obey you up to level 60. मतलब अभी higher और level Pokemon मिलने वाले हैं और हम लोग और अपने Pokemon को higher level तक लेकर के जा सकते हैं। मजा आने वाला है guys. That you have received from another trainer. Okay, and wait, please take this TM with you. Calm Mind करके एक TM मिला है guys. Okay, Psychic type TM है, use करेंगे guys. It makes a Pokemon concentrated to boost both its special attack and special defense. Psychic power isn't something that only a few people have. Everyone has a psychic power. People just don't realize it, okay? So guys, humne finally hara diya hai Sabrina ko. To yahi chahiye tha na guys, okay? So guys, aaj ka episode hum log idhar hi end karte hain. Kal guys hum log wapas se jayenge kaun se wale Fuchsia City mein. एंड फिर मैं आज एक्चुअली एक काम करूंगा, अभी बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़ूंगा, कल मैं चार्मेंडर को भी कलेक्ट करने वाला हूँ, कल मैं स्क्विटल को भी कलेक्ट करने वाला हूँ, और कल मैं फुशिया सिटी जाकर के कॉर्ट को हराने वाला हूँ और अपना 7 बैच कलेक्ट करने वाला हूँ। तब तक के लिए गाइस आप लोग अच्छे से रहो, मजे में रहो, लव यू, टेक केयर, एंड सब्सक्राइब बटन को जरूर से प्रेस करो यार। लव यू, बाय बाय।